हरे कृष्णा। तो आज हम यहाँ पे जो आदर्श पारिवारिक जीवन है इस अध्याय में जो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आज इस विषय पर चर्चा करूँगा किस तरह से कि हम हमारे जीवन में भगवान का गुणगान कैसे कर सकते हैं। तो मैं तीन मुद्दे इसमें चर्चा करूँगा और हर एक मुद्दे के बाद हम थोड़ा रुकेंगे। अगर आपके सवाल होगा तो एक सवाल हम ले सकते हैं फिर आगे जाएंगे। तो पहला पॉइंट यह हुआ कि भगवान को गुणगान करने की अलग अलग पद्धतियाँ हैं, और दूसरा है कि हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे पेशे में, नौकरी में हम भगवान का गुणगान कैसे कर सकते हैं व्यवहारिक रूप से, और अन्य सबसे महत्वपूर्ण हमारे हृदय में हम भगवान का गुणगान कैसे कर सकते हैं। हमारे हृदय में हम भगवान को अग्रपुरुष कैसे बना सकते हैं ताकि उनकी वहाँ पे अग्रपूजा हो सके। तो सबसे पहले कि भगवान के गुणगान करने के अनेक पद्धतियाँ हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप भक्ति करने लगते हो तो फिर आप दुनिया छोड़ देते हो, आप कुछ काम नहीं करते हो, आप सिर्फ दूसरे जगत की परवाह करते हो, इस जगत में कुछ करते ही नहीं हो। तो प्रभुपाद जी को एक बार एक प्रवचन में पूछा गया था, तो प्रभुपाद जी बोले कि अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपको भक्ति क्या है पता ही नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण भगवान भक्त जो है भगवान राम के हैं हनुमान जी, भगवान कृष्ण के हैं अर्जुन, उन्हें दोनों ने इस जगत में युद्ध किया था, और युद्ध इसलिए किया कि इस जगत में वो परिवर्तन ला सके, इस जगत में धर्म की प्रस्थापना कर सके। तो जो भक्ति है, भक्ति के दो विभाग हैं, एक है टू ट्रांसेंड द वर्ल्ड और दूसरा है टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। एक है कि हम दुनिया के परे जाना है और दूसरा है दुनिया को परिवर्तित करना है, और दोनों उद्देश्य महत्वपूर्ण है। अगर हम भगवद्गीता का चौथा अध्याय देखते हैं जहाँ पे भगवान बताते हैं कि वो इस जगत में अवतार क्यों लेते हैं, तो बहुत से हिंदू संस्थाओं में और हिंदू उत्सव में ये श्लोक गाया जाता है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अवतार लेता हूँ मैं, युग युग में लेता हूँ, क्यों लेता है? ये सातवां श्लोक है, आठवां श्लोक है चौथे अध्याय का, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जिनको पता है बोल सकते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं धर्म संस्थापनार्थाय। तो धर्म कहाँ स्थापना करनी है? इस जगत में स्थापना करनी है। मतलब यहाँ पे क्या बताते हैं, भगवान का उद्देश्य है कि इस जगत को परिवर्तित करे, जाकि जहाँ पे अधर्म है वहाँ पे धर्म आ सके। और वही भगवान ने, भगवान का जो योजना होती है, भगवान का जो उद्देश्य होता है, भक्त उसमें सहभागी हो जाते हैं। इसलिए अर्जुन भी युद्ध कर रहे थे, अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनको कौरवों से बदला लेना था, और कौरवों से बदला लेना होता था पांडवों को तो फिर वो कृष्ण जो शांति दूत के रूप में जा रहे थे वो उसको सहमत ही नहीं होते थे, मत जाओ हमको बदला ही लेना है बोले थे, वो शांति चाहते थे। पर जब दुर्योधन ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, कैसे है कि एक है ना बोलना किसी को, अगर हम किसी को कार्यक्रम में बुलाते हैं, हमारे मंदिर में कार्यक्रम में आ जाओ, हमारे घर में कुछ सत्संग कार्यक्रम में आ जाओ, बोलते कि नहीं मुझे ये काम है वो काम है इसलिए मैं आ नहीं सकता, तो वो ना कह रहे हैं, पर वो क्या कह रहे हैं, उस जो निवेदन है उसको ना कह रहे, शायद वो व्यक्ति को ना नहीं कह रहे। पर जब दुर्योधन ने जब कहा कि मैं मुझे कोई शांति नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, तो उसने प्रस्ताव को कैसे ठुकराया, किसी को पता है, याद है क्या बताया उसने? एक सुई के तट पे जितना जमीन होगा उतना भी नहीं दूंगा मैं। इसका मतलब क्या है, तुम कुछ भी बोलो, मैं शांति चाहता ही नहीं। ये कैसे है, हम किसी को मंदिर में बुला, किसी को सत्संग कार्यक्रम के लिए बुलाते हैं और वो कहता है मैं नहीं आऊँगा, मैं इसके लिए इस कारण नहीं आऊँगा, ऐसे नहीं बोलते, वो कहते हैं मैं अगर मर भी जाऊँगा तो मेरी लाश भी तुम्हारे सत्संग कार्यक्रम में नहीं आएगी। तो ये केवल ना वो उस व्यक्ति के निवेदन को नहीं बोल रहा है, उस व्यक्ति को ही बोल रहा है पूरा ना। तो अभी ऐसा भाव जिसमें है
तो वो तो धर्म के खिलाफ ही है. तो भगवान ने युद्ध अर्जुन से करवाने को कहा वो बदले के भाव से नहीं था. वो किस भाव से था? भगवान वास्तव में बोलते निर्वैरह सर्वभूतेषु, किसी से आप वैर मत रखो, युद्ध करो पर किसी से वैर मत रखो. तो अर्जुन को आप अर्जुन को कहते हैं कि आप दुर्योधन को या कौरव को शत्रु मत मानो, आप धर्म के लिए युद्ध कर लो. तो हमको भी भक्ति करते समय कभी कभी युद्ध करना पड़ता है, पर हम किसी के खिलाफ युद्ध नहीं कर रहे. हम किसके लिए युद्ध कर रहे? हम भगवान के लिए युद्ध कर रहे. तो अगर भगवान के विरोध में कोई आता है तो हम शायद उनको संग्राम करना पड़ता है, पर हम उनसे युद्ध नहीं कर रहे. हमारा उनके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं है हमारा. तो ये कहने का उद्देश्य क्यों है कि ये एक भाव है कि भगवान जब आते हैं और भगवान के आंदोलन में जब भक्त मदद करते हैं तो एक उद्देश्य है इस जगत को परिवर्तित करना, तो ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड. और ये चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में बताया. और उसके बाद में अगला श्लोक जो है वो बताता है कि हमें ये जगत के परे जाना है, टू ट्रांसेंड द वर्ल्ड. बोल सकते हैं मेरे साथ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन. यहाँ पे भगवान बताते हैं कि इस जगत के परे चले जाओगे, आप मेरी भक्ति करोगे, आप मेरी लीलाओं को समझोगे तत्व ज्ञान के साथ साथ, तो आप मेरे धाम में आ जाओगे. तो भक्ति के दोनों उद्देश्य, एक है इस जगत को परिवर्तित करना और दूसरा है इस जगत के परे जाना. तो जो लोग सोचते हैं कि आप भक्ति करते हैं, आप जप करते हैं, मंदिर में आते हैं, आप कुछ जगत के लिए कर ही नहीं रहे, वो क्या देख रहे हैं? सिर्फ जगत के परे जाने का भाव देख रहे हैं. और वह महत्वपूर्ण है क्योंकि जगत के परे जाना है हमको, पर जब तक हम इस जगत में हैं हमें जगत को भी परिवर्तित करना है हमारी क्षमता के अनुसार. अगर प्रभुपाद जी को सिर्फ जगत के परे जाना होता तो फिर वो वृंदावन में देख के बैठ के भगवान का नाम कर सकते थे, भगवान की पूजा कर सकते थे, पर प्रभुपाद जी को जगत को भी परिवर्तित करना था. तो इसलिए हमें भगवान का गुणगान करना है, वो इस तरह से गुणगान करना है कि वो गुणगान लोगों तक पहुँचे, वो लोगों को समझे और लोग उससे भगवान की ओर आकर्षित हो जाए. अगर कोई प्रभुपाद जी वृंदावन में बैठ के प्रवचन दिया करते थे, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, पर वहाँ पे लोग नहीं हैं, तो प्रभुपाद जी सारे विश्व भर में जाके जहाँ लोग हैं वहाँ पे भगवान का गुणगान करते हैं. तो ऐसे इस तरह से गुणगान करना है कि तीन चीज़ें, लोगों तक पहुँचे, लोगों को समझे और लोगों को भगवान की ओर आकर्षित करे. तो कभी कभी हम ऐसे गुणगान करते हैं कि वो लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं. तो हम अभी मंदिर में सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, महत्वपूर्ण है, पर लोग मंदिर में आएगी कैसे? जब आएंगे तो सुन सकते हैं. तो इसलिए हम अलग अलग जगह पे कार्यक्रम करते हैं, घरों में सत्संग होता है, एक्सटेंशन सेंटर होते हैं, अलग अलग. तो लोगों तक पहुँचे सबसे पहले, फिर इस तरह से गुणगान करना है कि लोगों को समझे. अगर हम पूरा भक्तिमय भाषा में बात करेंगे और लोगों को समझ भी नहीं आ रहा क्या चल रहा है, अगर कोई नया व्यक्ति आया है और फिर उसको हम भगवान की रासलीला के बारे में वर्णन करने लगे तो बोले क्या चल रहा है. तो इस तरह से बातचीत करनी है कि लोगों को समझे वो, और न केवल समझे पर लोगों को आकर्षित करे. और प्रभुपाद जी इसमें बहुत निपुण थे. इसको लोगों को आकर्षित करना है तो इस तरह से इस भाषा में समझाना है कि वह उनको समझ में आ जाए. वे प्रभुपाद जी को जब अमेरिका में थे तो एक हिप्पी आया, प्रभुपाद जी बताए थे कि आध्यात्मिक जगत में कितना सुख होता है. तो उसने सवाल पूछा प्रभुपाद जी कि आध्यात्मिक जगत में जो सुख है कितना है उसको बता सकते हैं मुझे? तो फिर अभी तो शराब पिया तो नशा करता था, ड्रग्स लेता था. तो वहाँ पे एक बहुत ही लोकप्रिय ड्रग था तभी, LSD नाम था उसका. अभी LSD ये एक केमिकल है, उसका नाम है, पर तभी ये लोगों का इस भ्रांत धारणा थी कि वो ड्रग लेने से हम आध्यात्मिक दृष्टि मिल जाएगी हमको. इसलिए वो कहते थे कि जो भी ये ड्रग लेता है वो LSD ज्वाइन कर लेता है. LSD क्या है? लीग ऑफ स्पिरिचुअल डिस्कवरी. जो ये ड्रग लेता है वो उस संस्था में ज्वाइन कर रहा है जिससे कि आध्यात्मिक अन्वेषण हो जाए, खोज हो जाए. तो ये मोहधारणा थी, पर फिर भी लोगों को ड्रग लेकर अच्छा लगता था. तो प्रभुपाद जी ने अभी कह सकते चिंतामणि प्रखर सद्मशुकल्प वृक्ष. अभी ब्रह्म सविता का श्लोक बोल के आध्यात्मिक जगत का सौंदर्य का कि महिमा का मधुरता का वर्णन कर सकते थे. पर अभी ऐसे व्यक्ति जो नशे में है उसको चिंतामणि क्या पता है, उसको क्या पता है.
तो अधिकांश लोगों को चिंतामणि पता नहीं है, उनको चिंता है मनी का. तो अभी क्या है, तो प्रवचन उसके स्तर पर वो क्या बताया, कहता है कि आध्यात्मिक जगत का जो आनंद है वो कैसे है, वो एक LSD के सागर के समान है. LSD का सागर, मुझे जाना है वहाँ पे. तो क्या है, अभी कोई कहेगा शास्त्रों में कहाँ बताया कि आध्यात्मिक जगत का नाम LSD के सागर के समान है, पर वो नहीं बताया. पर क्या है, शास्त्रों में जो बताया है वो इस तरह से बताना कि लोगों को समझ में आए, बहुत ज़रूरी है. तो अगर लोगों के किसी की सुख की धारणा है LSD लेना, तो फिर उस धारणा के अनुसार उसको बताना इसमें कितना सारा सुख है. तो इंग्लिश में कहते हैं द पॉइंट इज नॉट जस्ट टू गेट इट राइट, द पॉइंट इज टू गेट इट अक्रॉस. कि ये ऐसे नहीं कि हमको सही बात बतानी है, सही बात तो ज़रूर बतानी है, पर सही बात इस तरह से बतानी है कि लोगों को समझ में आ जाए. अगर मान लीजिए अभी सत्संग में कोई आते हैं, कोई बड़े संस्कृत पंडित आते हैं और पूरा प्रवचन संस्कृत में देते हैं और सब कुछ सही बोलेंगे पर कुछ भी समझ में नहीं आए, तो लोगों को उसका फायदा क्या होने वाला है. द पॉइंट इज नॉट जस्ट टू गेट इट राइट, द पॉइंट इज टू गेट इट अक्रॉस, लोगों को समझ में आ जाए. तो अभी भगवान को गुणगान करने के, मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा, भगवान को गुणगान करने के अनेक अलग अलग पद्धतियाँ हैं. तो एक पद्धति है कि हम प्रचार करते हैं, लोगों को मंदिर में बुलाते हैं, अच्छे प्रवचन होते हैं, अच्छा वातावरण होता है, अच्छा सत्संग होता है, अच्छे भक्त स्नेहपूर्वक बातचीत करते हैं, उससे लोग आकर्षित होते हैं. यह एक तरह से भगवान का गुणगान है, महत्वपूर्ण है ये. पर उसके साथ साथ हम जहाँ पे हैं, हम जिस पेशे में हैं, हम जिस परिवार में हैं, हम जिस कुल में हैं, वहाँ पे हम जिस तरह से बर्ताव करते हैं, हम जिस तरह से कार्य करते हैं, उसके द्वारा भी हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं. तभी महाराज युधिष्ठिर ने जब अग्र पूजा की, तो एक तरह से वो अग्र पूजा का उद्देश्य कह सकते हैं यह है कि वह खुद को सारे विश्व के सम्राट के रूप में घोषित कर रहे हैं कि सारे राजा है, सारे राजाओं को मेरे अधीन, मेरी अधीनता स्वीकार करनी है और वो आके मुझे जो है बलि ट्रिब्यूट देते हैं, वो मुझे कुछ भेंट देते हैं जिससे कि वो स्वीकार करते हैं कि मैं उनका सम्राट हूँ. तो कोई कह सकता है ये तो खुद के अहंकार की बात है, वो खुद के पद को इतना बढ़ा रहे हैं. हाँ, वो बढ़ा रहे हैं खुद के पद को, पर खुद के पद को क्यों बढ़ा रहे हैं, इसका अंतरंगिक कारण है. तो ये महाभारत और भागवतम, ये दोनों ग्रंथ जो है वह भगवान की लीला का वर्णन करते हैं, पर अलग अलग दृष्टिकोण से वर्णन करते हैं. जो महाभारत है वह एक तरह से कर्मकांड के आधार पर वर्णन कर रहा है, मतलब कर्मकांड मतलब कि आप पुण्य करो फिर आपको उसका अच्छा फल मिलेगा. क्या अच्छा फल मिलेगा, भौतिक जगत में आप स्वर्ग में जाओगे, भौतिक जगत में समृद्धि मिलेगी. भागवत क्या बताता है कि आप भक्ति करो जिससे कि आप इस जगत से परिचित होंगे. तो दोनों व्यक्ति को सद्मार्ग मिलाते हैं. महाभारत का उद्देश्य है व्यक्ति को पुण्य कराने को लगाना, भागवतम का उद्देश्य है व्यक्ति को भक्ति कराने को लगाना. पुण्य और भक्ति में फर्क क्या है, पुण्य में व्यक्ति भौतिक जगत में अच्छे कार्य करके अच्छा फल चाहता है, भक्ति में वक्त केवल भगवान की सेवा करके भगवान के प्रेम में मग्न होकर भगवत धाम जाने की प्राप्ति चाहता है. तो दोनों का उद्देश्य अलग है, दोनों का भाव भी अलग होता है. दोनों अच्छा है, पुण्य तो पाप से बहुत अच्छा है, पर पुण्य से अच्छी है भक्ति. तो ये राजसूय यज्ञ महाराज युधिष्ठिर ने क्यों किया, इसका महाभारत में अलग वर्णन है और इसका भागवतम में अलग वर्णन है. तो नारद मुनि ही जब महाराज युधिष्ठिर के सभा में आए थे, जब माया सभा अध्वरे, जब माया सभा में आए थे, तो तभी उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग में गया था और स्वर्ग में जितनी सुंदर सभा है, मैं अलग अलग जगह पे गया, पितृलोक में गया, वहाँ पे भी अलग अलग सुंदर सभाएं हैं, पर आपकी सभा जो है अप्रतिम है. और तभी उन्होंने बताया कि मैं जब पितृलोक में गया था तो मैंने तभी वहाँ पर तुम्हारे पिता को देखा. उनके पिता कौन है, कौन, पांडु जो है. तो बोले कि वो तो युधिष्ठिर सोचने लगा, अच्छा मेरे पिता पितृलोक में गए, मेरे पिता अभी स्वर्गलोक में नहीं गए. अभी पितृलोक मतलब क्या है, ऐसी जगह है कि
अगर कोई साधारण धार्मिक जीवन जीता है, पुण्य करता है, तो अधिकांश, अभी प्राचीन संस्कृति जो वैदिक संस्कृति थी उसमें अधिकांश लोग पुण्यवान जीवन जीते थे, कुछ पापी भी थे और कुछ भक्त भी थे, पर अधिकांश लोग भक्त नहीं थे। वहाँ उस समय भी भगवान बता भागवतम बता गए कि मुक्तानाम विशुद्धानाम सुदेव पर नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटीश्वर की महामुनि। तभी भक्त बहुत कम थे। तो क्या है, जो पुण्य करते हैं वो ऊपर जाएंगे, जो पाप करते हैं नीचे जाएंगे। जो कोई साधारण मात्रा में अगर पुण्य करता है तो पितृलोक पे जाता है, कोई बहुत पुण्य करता है तो फिर वो स्वर्गलोक पे जाता है। तो साधारणतः लोग अगर कोई उनके घर से गुजर जाता है तो वो स्वर्गवासी लिख देते हैं, पर वो स्वर्गवासी है कि नहीं पता नहीं है उनका वास कहाँ है पता नहीं है। पर तो तभी युधिष्ठिर महाराज को चिंता होने लगे, वो पूछने लगे कि मेरे पिता जो है वो पितृलोक क्यों गए, वो तो बहुत ही पुण्यशाली धर्मशील सम्राट थे, वो स्वर्गलोक क्यों नहीं गए। तो तभी बोले क्योंकि उनकी जो मृत्यु हुई थी वह ऐसी परिस्थिति में हुई थी कि वह भौतिक चेतना में थे। पांडु महाराज को शाप मिला था कि अगर वो अपने पत्नी के साथ संग करेंगे तो तभी उनको शाप से मृत्यु हो जाएगी। तो उस समय क्योंकि उनकी भौतिक चेतना थी, पर वो पूरी भौतिक चेतना नहीं थी, वो उन्होंने जीवन भर पुण्य किया था और साथ साथ वहाँ पे भी वो कुछ अधार्मिक कार्य नहीं कर रहे थे, अपने ही पत्नी का संग कर रहे थे। तो क्योंकि पर दिव्य चेतना नहीं थी उनकी, इसीलिए वो स्वर्ग या मुक्ति नहीं मिली उनको, वो कहाँ गए हैं, पितृलोक में गए। तो फिर युधिष्ठिर महाराज कहने लगे ठीक है मैं उनको तो फिर मैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे करा सकता हूँ। तो बोले कि आप ये राजसु यज्ञ करो और इस यज्ञ की पूर्ति से क्या होगा, आप उन उसकी जो उसका पुण्य है उनको भी जाएगा और उसके द्वारा वह स्वर्ग में चले जाएंगे। तो ये उद्देश्य जो बताते हैं यह महाभारत का उद्देश्य है, क्योंकि महाभारत क्या बता रहा है कि हमें पुण्य करना चाहिए, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनका कल्याण करना चाहिए। भागवतम बताता है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। तो जो अंतरंग उद्देश्य था उनका, तो एक हर कार्य के अनेक स्तर पर उद्देश्य हो सकते हैं। तो एक बाह्य उद्देश्य ये था, अंतरंग उद्देश्य था कि वो भगवान का गुणगान करना चाहते थे। किस तरह से भगवान का गुणगान, वो चाहते थे कि अगर मैं सम्राट बनूंगा और फिर सम्राट बनने के बाद जब अग्र पूजा होगी तभी मैं कहूंगा कि कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए, तो क्या होगा, तभी सब लोग जो होंगे वो उससे बड़े आकर्षित हो जाएंगे, वो सुन लेगा अच्छा ऐसा है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो मतलब ये कृष्ण सही में महान व्यक्ति है। अभी जब कृष्ण भगवान वहाँ पे भी थे तो ऐसे नहीं था कि उस समय में सब लोग उनको भगवान के रूप में मानते थे। कुछ लोग ऐसे थे उनको सोचते थे कि एक यदुवंश का राजा है, बहुत बड़े योद्धा है, बहुत बड़े डिप्लोमैट है, बहुत अच्छे नीति करते हैं, तो उनको सब भगवान नहीं मानते थे। तो युधिष्ठिर महाराज का ये उद्देश्य था कि मैं खुद को इस पद पे जाऊंगा ताकि क्या होगा, उससे जब तब मैं भगवान का गुणगान करूंगा तो भगवान का गुणगान उससे हो जाएगा। तो यह भी हमारी जो जीवन है, हमारा जो पेशा है, हमारी जो भी हमारी नौकरी, हमारा पद है, उसमें अगर हम प्रगति करते हैं तो उसके द्वारा भी हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बड़ा यशस्वी बन जाता है, कोई विद्यार्थी बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद में अरे तुम इतना पढ़ाई अच्छे से कैसे करते हो, तो कि मैं ये भक्ति करता हूँ उससे मेरा मन शांत रहता है, उससे मैं एकाग्र से पढ़ाई कर सकता, अच्छा तो मुझे भी भक्ति करनी है। तो क्या है, वो लोगों मैं बोला कि हमको भगवान का गुण ऐसे करना चाहिए कि उन तक पहुँचे, उनको समझे और उनको आकर्षित करे। तो अगर कोई बोलता है कि मैं भक्ति करके मैंने मेरी पढ़ाई छोड़ दी, मैं सब कुछ छोड़ के भी भक्ति करने लग गया हूँ, तो मुझे ऐसे नहीं करना है, तो लोग उससे क्या उसे आकर्षित नहीं होंगे। एक विद्यार्थी मुझे एक बार बैंगलोर में था, विद्यार्थी कॉलेज के बाद पूछा था कि मैं मेरे मित्रों को कैसे आकर्षित करूं भक्ति में, बोला अच्छी तरह से पढ़ाई करके। क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो इससे कोई गारंटी नहीं कि आपके मित्र भक्त बन जाएगी, पर आप पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं करोगे तो गारंटी है कोई भक्त नहीं बनेगा। क्यों, क्या है, लोग ये देखते हैं कि उनकी दृष्टि से भक्ति में
भक्ति के द्वारा हम में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो उनकी दृष्टि से भी एक सकारात्मक परिवर्तन अगर हो रहा है तो फिर क्या होता है, उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो ये मैं पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा हूँ। पहला पॉइंट ये था कि हम अलग अलग पद से भगवान का गुणगान कर सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट अभी ये है कि कैसे हम हमारे जो हमारी नौकरी है, हमारा पेशा है, हमारे जीवन के अलग अलग पहलू है, उनके द्वारा भगवान का गुणगान कैसे कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है अब तक कोई? उससे पहुंचना या कोई कहते हैं कि सुबह उठ के जप करना ज़रूरी क्या है, क्यों है? अगर दिन में मेरा अच्छा जप होता है, शाम को अच्छा जप होता है। अभी क्या है कि हर एक व्यक्ति का खुद का मन है, खुद का शरीर है, खुद की परिस्थिति है, और कभी कभी कुछ अपवाद हो सकता है। साधारणतया ऐसे होता है कि सुबह जो होता है हमारा मन फ्रेश होता है, सुबह जो होता है हमारे मन में भौतिक चीज़ों का ट्रैफिक उतना नहीं चल रहा होता है। क्या होता है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। जब दिन में आ जाता है तो क्या होता है, वो सारा काम रहता है, लोग हमको फ़ोन करते हैं, ये करना है, वो करना है। तो फिर उसलिए ऐसे होता है साधारणतया कि सुबह हम जब करते हैं तो हमारे खुद की परिस्थिति, हमारे खुद की मनस्थिति और जो बड़ा वातावरण सब सत्व में होता है, तो इसीलिए उस समय हम जब अच्छी तरह से कर सकते हैं। पर कुछ कुछ अपवाद हो सकते हैं। अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनका नाइट शिफ्ट में उनका काम है, तो अगर वो सुबह जब करेंगे तो अभी तक थक गए हैं, वो तभी जब ध्यान से नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि कभी कभी उनको ऐसे, मैं कई वक्त को जानता हूँ, उनको थोड़ा उनके फेफड़े जो लंग्स है कमज़ोर होते, तो बोलते कि मैं कंटिन्यूसली दो घंटे तक बोल ही नहीं सकता। कहते मैं चार माला थोड़ा करता हूँ, फिर थोड़ा आराम करता हूँ, फिर बाद में चार माला करूँगा। तो कुछ कुछ अपवाद हो सकते हैं। और हर एक व्यक्ति को अगर प्रगति करनी है तो खुद से ईमानदार होना चाहिए। क्या सही में शाम को मैं जप कर रहा हूँ तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि मुझे सिर्फ आलस है कि सुबह उठना नहीं, इसलिए मैं सुबह जप नहीं कर रहा हूँ। तो अभी क्या, और अगर अभी एक स्टैंडर्ड पद्धति है, एक ऐसी पद्धति जो अधिकांश भक्त कर रहे हैं, और अगर किसी को कुछ अपवाद है तो फिर क्या है, अगर सही में ज़रूरत है, सही में उससे अगर कुछ अच्छा हो रहा है व्यक्ति का जब, तो व्यक्ति कर सकता है वैसे। पर कभी उसके लिए उसको कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सब भी शाम को जब करो। अगर खुद की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए करना है तो वो डिस्क्रीटली कर सकते हैं। डिस्क्रीटली मतलब ज़्यादा दिखावा किए बिना, ज़्यादा उसके बारे में बातचीत किए बिना, किसी एक दो वरिष्ठ भक्त जो हमको समझ सकते हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। और अगर ईमानदारी से, तो भक्ति ऐसे है कि उसमें नियम है पर नियम का भी उद्देश्य है। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि कुछ अपवाद हो सकता है उसमें, तो कुछ भक्त ऐसे हो सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि जो है मैं ब्रेक करके जब करता हूँ तो मेरा ध्यान और लगता है। अभी सही में ऐसे हो रहा है या नहीं वो देखना है, अगर किसी के लिए हो रहा है तो अच्छी बात है, वो कर सकते। तो अपवाद को, अगर अपवाद है तो वो अपवाद रहना चाहिए। अपवाद से, अपवाद और स्टैंडर्ड के बारे में संघर्ष लाने की जरूरत नहीं है। अपवाद को अपवाद रहने दीजिए और जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड रहने दीजिए। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति को घुटन नहीं होना चाहिए, सब ज़बरदस्ती ऐसे ही करने को बोल रहे हैं। पर ऐसे नहीं है कि दूसरों को लगना चाहिए कि मैं भी आराम से शाम को जब करूँगा। तो क्या होता है, अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, ये वैज्ञानिक बताते हैं। अभी अमेरिका में एक न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर किताब है, वो जो सबसे अच्छी किताबें होते हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स बोलता है कौन सी अच्छी किताबें अमेरिका में। तो उसमें एक किताब अभी आई, द पावर ऑफ वेकिंग अप अर्ली। अभी ये अमेरिका का एक मल्टी मिलियनर जो है वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव है,
जो बहुत ही रईस कई करोड़ों उसकी उसके की उसकी उसकी संपत्ति है और वो अमेरिका कंपनी में काम करता है और वो कह वो अभी बता रहा है कि सुबह जल्दी उठने की शक्ति क्या है। वो कहते सुबह के मैं योजना प्लानिंग करता हूँ, मैं कोई वो उसकी वजह से मेडिटेशन करता है, वो सब विचार बहुत स्पष्ट होते हैं। तो ये भौतिकवादी भी लोग जो है वो समझ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठने में बहुत फ़ायदा है। तो इसलिए क्या है कि जो अपवाद है उसको अपवाद रह सकते हैं, पर स्टैंडर्ड जो है वही अधिकांश लोगों के लिए प्रतिकूल अनुकूल रहता है। ओके ओके, तो अभी दूसरा पॉइंट मैं बता रहा था कि भगवान का गुणगान अलग अलग पद्धति से किया जा सकता है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ गुणगान है वह गुणगान कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो समझ में भी नहीं आ सकता है। मतलब अभी प्रभुपाद जी जब जॉर्ज हैरिसन उस समय इतना विख्यात संगीतकार था वो, कि जब जुपिटर एक ग्रह है गुरु, तो उसके बाजू में एक सैटेलाइट क्या बोलते हैं उपग्रह का संशोधन हुआ, तो उस उपग्रह को नाम जॉर्ज हैरिसन के नाम पे दे दिया था तो इतना लोकप्रिय था वो। तो जब वो भक्त बन गया तो तभी प्रभुपाद जी क्या कर, प्रभुपाद जी ने उसको कभी ऐसे उपदेश नहीं दिया तुम ये करो वो मत करो, प्रभुपाद तुम जो कर रहे हो वही करो और वो करते हुए तुम क्या करो, तुम भगवान के बारे में गीत गाओ। तो पहले क्या हुआ, पहले उसने सब कुछ रोज तो हर गीत जो करना था वो भगवान के बारे में गीत करने लग गया था। और क्या हो गया, अभी हर पेशे में अगर कोई होता है तो लोगों से उसकी कुछ अपेक्षा होती है। तो अभी जो मैडिसन एवेन्यू अमेरिका का सबसे बड़ा जो एंटरटेनमेंट मनोरंजन का जगह होता है वहाँ पे उसका कंसर्ट था, और उस कंसर्ट में वो क्या करने लगा, वो हरे कृष्ण गाने लग गया और लोग कहने लगा हरे कृष्ण गाने लग गया। तो क्या होता है, ये जो सेलिब्रिटी होते हैं, लोकप्रिय जो संगीतकार होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, स्पोर्ट्स स्टार होते हैं, उनके जीवन में जितना नाम आता है उतनी बदनामी भी आ जाती है। आज लोगों को आपको उठा के आपको माला डालेंगे, दूसरे कल आपको की मूर्ति को जला देंगे, ऐसे होता है। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, उसने एक दो भगवान के नाम के संगीत बनाए और वो अच्छे, पर उसके बाद में कई वैसे बनाने लगा तो लोग उसकी निंदा करने लगे, उसको जियर करने लगे। जियर मतलब उसका गुणगान करना, जियर मतलब अवहेलना करना। उसके सारे जो रिव्यूज़ आए थे कहते बहुत खराब रिव्यूज़ आने लगे उसके, और इतनी बदनामी होने लगे, लोग कहते कि वो लोग ऐसे न्यूज़पेपर कहने लगे जब से हरे कृष्णा बन गया है इसका संगीत अभी ख़त्म हो गया है। और फिर वो अभी प्रभुपाद जी से मिलने आया, जब प्रभुपाद जी से मिलने आया तो कहने लगा प्रभुपाद जी आपने मुझे ऐसे बताया और मैं वैसे कर रहा हूँ, मैं मेरे संगीत में भगवान के बारे में गीत डाल रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि जो एक व्यक्ति को मैं आपके पास ला रहा हूँ, पर मैं भगवान के पास ला रहा हूँ तो 10 या 100 व्यक्ति उसे दूर जा रहे हैं, इतनी उससे बदनामी हो रही है। अभी बदनामी क्यों हो रही है ये समझने के लिए हम एक आधुनिक तुलना ले सकते हैं। और मान लीजिए कि भारत का सबसे लोकप्रिय या सबसे महत्वपूर्ण क्रिकेटर हो, पहले सचिन तेंदुलकर था, अभी विराट कोहली जो है, जो भी है, अगर वो भक्त बन जाता है, वो जप करने लगता है और वो अगर कहता है कि भक्ति करना बहुत अच्छा है, तो कितना लोगों पर रहा होगा, बहुत लोग आकर्षित हो जाएंगे। पर कल्पना कीजिए, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है कुछ समय में, इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल होता है और इंडिया हार जाती है वर्ल्ड कप, और बाद में उसका इंटरव्यू होता है, भारत क्यों हार गई, ये हार जीत तो होती रहती है, हमको जप करना चाहिए अगर वहाँ पे वैसे बोलेगा वो तो कितना बड़ा एंटी प्रीचिंग हो जाएगा, लोग कहने लगेंगे इसके ये हरे कृष्ण जप के कारण ये क्रिकेट में भी ये खुद हार गया और हमारे भारत को भी हरा दिया। तो उससे बड़ा हम एंटी प्रीचिंग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या होगा, तो जिस पेशे में व्यक्ति है उस पेशे में उसको अच्छा होना चाहिए और फिर वो भक्ति के बारे में बातचीत कर सकता है। तो क्या हो गया, जॉर्ज हैरिसन अपने म्यूजिक में क्या होता, उनका म्यूजिक इतना अच्छा नहीं हो रहा था क्योंकि भक्ति में ज़्यादा लग गए थे वो, अभी जो म्यूजिक कर रहे थे लोगों को पसंद नहीं आता, तो प्रभुपाद जी उनको बताया कि आप एक संतुलन रखो, आप एक बैलेंस रखो। तो फिर उसके बाद में वो अपने जैसे लोगों को संगीत चाहिए था वैसे संगीत बनाता था, कुछ 2-3 गीत वैसे बनाता, फिर बाद में एक गीत जो था
वो थोड़ा भक्ति डाल देता था उसमें, और फिर उससे क्या हो गया, लोगों को, लोग उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके रिव्यूअर्स थे, वो कहने लगे ये हरे कृष्णम जाने का उनका एक फेस था, वो फेस खत्म हो गया अभी, अभी वो लाइन पे आ गए पर उससे क्या हो गया, उससे उन्होंने जो बाद में संगीत बनाया, जो उनका एक बहुत ही प्रिय लोकप्रिय संगीत माई स्वीट लॉर्ड, तो उससे हजारों हजारों की संख्या में जो लोग मंदिर में आने लगे, भक्ति से परिचय होने लगे, उनका हरे कृष्णा का कीर्तन करने लगे वो। तो अभी क्या है, हमें हमारे हमारा जो भी भौतिक पोजीशन है, भौतिक जो पद है, उसमें अगर भगवान का गुणगान करना है तो बुद्धिमत्ता से करना है। अभी हर एक हर कोई व्यक्ति अपने पेशे में एक्सलेंट नहीं हो सकता है, सर्वोत्कृष्ट नहीं हो सकता है, एक ही व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट होगा या कुछ व्यक्ति अच्छे होंगे, पर अगर हम हमारा जो नौकरी है जिम्मेदारी से करते हैं, ऐसे नहीं है कि जिम्मेदारी मतलब नहीं है कि 8 घंटे की नौकरी तो 12 घंटे 14 घंटे करें, नहीं, 8 घंटे में जो काम करना है वो पूरी जिम्मेदारी से करना है। अगर वैसे हम करते हैं तो लोग देखते हैं, अच्छा ये व्यक्ति ना अच्छे से काम करता है, ये व्यक्ति सज्जन व्यक्ति है, और फिर उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं। तुम क्या करते हो, उससे हम बताते हैं कि हम भक्ति करते हैं उसकी। तो अभी क्या है, इस तरह से हमें बर्ताव करना है जिससे कि लोग हमारी ओर आकर्षित हो जाए, और हमारी ओर आकर्षित होके फिर भगवान की ओर आकर्षित हो जाए। तो यह जो है, अर्जुन साहब जो धनुर्विद्या में जो थे सबसे सर्वश्रेष्ठ थे, और ऐसे नहीं है कि वो धनुर्विद्या में वो निपुण हो गए सिर्फ जप करके, वो तो भक्ति करते थे, पर उसके साथ साथ जो धनुर्विद्या का प्रशिक्षण करने का समय था तो पूरा ध्यान लगा के वो धनुर्विद्या का प्रशिक्षण किया करते थे। तो अभी हमें जो भी काम करना है वो ध्यान पूर्वक करना है, और उसमें कैसे है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह पे हमें कुछ यश मिल सकता है, कुछ अपयश मिल सकता है, पर हमें देखना है कि यह भी एक मौका है जिससे मैं भगवान का गुणगान कर सकता हूँ। कैसे, कि अगर मैं ये अच्छे तरह से करूँगा तो लोग मुझसे आकर्षित हो गए, और फिर मैं उनको भगवान की ओर आकर्षित कर सकता हूँ, भगवान की ओर ले जा सकता हूँ। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम सब समझें कि भगवान का गुणगान सिर्फ मंदिर में आके कीर्तन करके नहीं होता है, वो ज़रूरी है, उसके साथ साथ भगवान का गुणगान हम हर अंग में कर सकते हैं, हम हमारे नौकरी में भी कर सकते हैं। उसके द्वारा क्या होगा, हम अलग पद्धति से जो साधारण लोग भगवान की ओर नहीं आते हैं वो भी आने लग जाएंगे। तो ये दूसरा पॉइंट था कि हम अलग अलग पद्धति से भगवान का गुणगान कर सकते हैं। किसी कोई सवाल है इसके बारे में अभी तक? यस, लेकिन आप बोलिए, मैं दोहराता हूँ। तो अगर हम हमारे गांव में जाते हैं, वहाँ पे भक्ति करनी चाहिए, ऐसे बताना चाहिए कि भक्ति अगर नहीं करनी करेगी तो उसका क्या परिणाम होगा वो बताना चाहिए, किस तरह से बताना चाहिए? कैसे होता है कि हमें किसी के साथ संबंध जोड़ना है, सबसे पहले मानवीय स्तर पे संबंध जोड़ना होता है, फिर आध्यात्मिक स्तर पे हम संबंध जोड़ सकते हैं। मानवीय स्तर पे मतलब क्या, कि व्यक्ति को लगना चाहिए कि ये अच्छा व्यक्ति है। अगर हमारे रिश्तेदार है तो अभी उनका हालचाल कैसे है, उनके बारे में जो साधारण बातचीत है वो बातचीत करनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हम उनके बारे में परवाह करते हैं। कभी क्या कहता है, हमको लगता है कि अरे ये व्यक्ति अज्ञान में, इसका आत्मा का पतन हो जाएगा, हम उनके आत्मा का परवाह करते हैं पर हम उनके शरीर और मन का बिल्कुल परवाह नहीं करते। तो फिर क्या होता है, अभी वो व्यक्ति शारीरिक चेतना में है, मानसिक चेतना में है, और अगर उनके आत्मा का ही बारे बात करते हैं तो उनको लगता है ये क्या हो गया इसको। तो जैसे मैं बताया, तो एक बार प्रभुपाद जी एक मंदिर में आए थे, छोटा मंदिर नहीं था, एक केंद्र था, वैसे कॉन्डो था, कॉन्डो मतलब एक साइड छोटा अपार्टमेंट होता है, तो एक साइड में भक्त रह रहे थे और दूसरे साइड में एक अमेरिका में था, एक वृद्ध स्त्री रह रही थी, और वो क्या भक्त जोर से कीर्तन करते थे, भक्त प्रभुपाद जी का अधिकांश शिष्य जो थे बहुत युवा थे, और युवावस्था का जोश था, तो जोरों से कीर्तन करते थे, बहुत अच्छे से करते थे। तो फिर वो जो स्त्री ने शिकायत कर दी थी उसके,
वो लोकल जो वहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी थी उनके खिलाफ, तो अभी भक्तों को कीर्तन में समस्या आ रही थी। और तो क्या होता है, कल के भक्त का भाव होता है कि कोई भी कीर्तन में व्यत्यय डाल दे तो क्या है, वो असुर है, वो असुर है। तो वो प्रभुपाद जी को भक्त, वो भक्त आए तो आए तो प्रभुपाद जी बोले कि हमारे बाजू हमारी पड़ोसी जो स्त्री है ना वो असुर है, शी इज अ डीमन। तो प्रभुपाद जी सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए थे तो सब, फिर वो सुबह के से वापस आ गए तो वो भक्त जहाँ पे केंद्र था वहाँ पे आने जगह पे वो जो वो वरिष्ठ स्त्री उसके घर में चले गए। और फिर दरवाज़ा खटखटाया और फिर वो प्रभुपाद जी से बात करने लगे, और जब बात करने लगे से बिल्कुल जैसे बूढ़े लोग जो बात करते हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपके बच्चे कहाँ हैं, आपका परिवार कहाँ है, कैसे सब कुछ चल रहा है, से 10-15 मिनट तक प्रभुपाद जी ने बिल्कुल कुछ भी आध्यात्म की बात नहीं की, कुछ भी भक्ति की बात नहीं की, पर अच्छे से बात की और फिर प्रभुपाद जी निकल गए। और जब जा रहे थे तो भक्तों के कभी कभी होता है किसी के चेहरे पे आप प्रश्न चिन्ह देखते हैं तो हाँ प्रभुपाद जी सोचे थे प्रभुपाद आपने उनको कुछ बताया नहीं भक्ति के बारे में। तो प्रभुपाद जी बोले कभी कभी लोग बूढ़े हो जाते हैं तो अकेलापन महसूस करने लगते हैं और वो अकेलेपन के कारण चिड़चिड़े बन जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कुछ बोला नहीं, तो प्रभुपाद जी ने क्या देखा, वो हमारे खिलाफ शिकायत कर रही है, ये सब नहीं देखा प्रभुपाद जी ने, वो मानसिक स्तर पे मानवीय स्तर पे देखा कि वो अकेलापन है। तो उसके बाद में प्रभुपाद जी चले गए और फिर जब ये भक्त उनसे मिलने गए तो बोले तुम्हारे स्वामी जी कितने अच्छी व्यक्ति है, सच ए नाइस पर्सन। और फिर उसने जो शिकायत थी वो विड्रॉ कर लिया। तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण के बारे में एक वचन बोले बिना उसको कृष्ण के और अनुकूल बना दिया। तो क्या है, हमें हर परिस्थिति में देखना है कि किस तरह से हम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। तो अभी ज़रूर हम दूसरों को भक्ति में लाना चाहते हैं, पर हर एक देश काल पात्र के अनुसार हमें देखना चाहिए कि इस परिस्थिति में क्या बोलना चाहिए मुझे, तो क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो अगर हम बुद्धि से इस्तेमाल कर सकते हैं, वरिष्ठ भक्तों से द्वारा बातचीत कर सकते हैं, उसके बाद में हम समझा सकते हैं उनको। तो सबसे पहले मानवीय स्तर पर अगर वो देखते हैं कि हम वो हमसे उनका संबंध जुड़ता है तो फिर वो मानवीय स्तर पर संबंध जुड़ने के बाद फिर आध्यात्मिक स्तर पर संबंध जोड़ सकते हैं। प्रभुपाद जब अमेरिका में जाते थे सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो लोग मिलते थे उनसे, तो प्रभुपाद जी लोगों को तभी हरे कृष्णा नहीं बोला करते थे, गुड मॉर्निंग बोला करते थे प्रभुपाद जी, क्योंकि उनको हरे कृष्णा क्या समझेगा, तो गुड मॉर्निंग बोला करते थे। तो उनको लगा अच्छा ये दिस इज ये ऐसा व्यक्ति है, अच्छे मैनर्स हैं इनके, अच्छे कल्चर संस्कृत व्यक्ति है वो। तो जो है जिस तरह से वो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अनुकूल हो सके उस तरह से हमें बर्ताव करना चाहिए। और कभी कभी ऐसे हो सकता है कि उनको भक्ति का तत्व ज्ञान बताने से वो समझ में आ जाएगा, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि भक्ति न करने के जो परिणाम है उसको बताने से हो सकता है, वो देखना है हर एक व्यक्ति का क्या क्या स्तर है, उसके अनुसार हम उनको बता सकते हैं। तो अभी आखिरी पॉइंट जो बताने वाला था मैं, कि दो पॉइंट मेरे लिए, पहला पॉइंट कि कैसे भगवान का गुणगान अलग अलग पद्धति से हम कर सकते हैं, दूसरा है कि कैसे हमें हमारे पेशे के द्वारा भी भगवान का गुणगान कर सकते हैं, पर तीसरा है जो आखिरी पॉइंट कि हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे हृदय में भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो एक भक्त मुझे पूछ रहे थे कि मैं अमेरिका में था, मैं ऐसे ही प्रवचन दिया था, बोले कि क्या मैं चाहता हूँ कि मैं एक इतनी बड़ी कंपनी बनाऊँ कि वो अभी दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन जाएगी, और फिर मैं उसका CEO बन जाऊंगा, और फिर मैं भक्ति के बारे में बताऊंगा तो लोग उसे बहुत आकर्षित हो जाएंगे। और पर ऐसी कंपनी बनाने के लिए अगले 5 साल के लिए मुझे भक्ति छोड़ना पड़ेगा, भक्ति के लिए मेरा समय नहीं है, तो फिर क्या मुझे ऐसे करना चाहिए। तो मैंने उनको बताया अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आपका फैसला है, पर क्या करने से क्या परिणाम होगा ये मैं बता सकता हूँ आपको। तो अभी क्या है, एक है कि हमारी कुछ इच्छा हो सकती है मुझे इस तरह से सेवा करनी है, पर हर प्रकार का कार्य करने के लिए हमें उस प्रकार के लोगों का संग करना पड़ता है, और उस प्रकार के लोगों के संग में अगर हम जाते हैं तो वो संग में उस प्रकार की इच्छाएं हो जाती हैं। तो अगर आप भक्तों का संग छोड़ के भौतिक स्तर पर बहुत महत्वाकांक्षी बन जाओगे और उस प्रकार के लोगों के संग में चले जाओगे तो क्या होगा, 5 साल के बाद भले ही आप बड़े ही यशस्वी बन जाएंगे, कोई गारंटी नहीं आप बन जाओगे, अगर नहीं बने तो फिर कुछ भौतिक भी नहीं मिला आपको, आध्यात्मिक भी नहीं चला जाएगा, पर मिल भी जाएगा भौतिक यश,
अगर भक्तों का संग नहीं रहेगा तब तक क्या होगा, ये जो आपकी सेवा करने की इच्छा है वो इच्छा भी नहीं रहेगी, वो इच्छा चली जाएगी और भौतिक इच्छा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमें हमारी क्षमता के अनुसार जो है जितना हम अच्छी तरह से हमारा कार्य कर सकते हैं वो करना है, पर सिर्फ भौतिक स्तर पे इतना अच्छा करने के लिए इतना हमको उसमें फंसना नहीं है कि उससे हम भगवान से दूर चले जाएंगे। तो जो हमारा समय है, हमारे परिवार के लिए समय होता है, हमारा घर के लिए समय होता है, हमारा परिवार के समय होता है, हमारे नौकरी के लिए समय होता है, भक्ति के लिए समय होता है, ये तीनों जो है उनका एक संगम रखना है, का एक संबंध में रखना है। वास्तव में महाराज युधिष्ठिर को नारद मुनि कहते हैं कि जब आप गृहस्थ जीवन में है तो आपको धर्म है, अर्थ है, काम है। अभी धर्म मतलब हम कह सकते हैं मंदिर में आना, अर्थ मतलब जो हमारी नौकरी वगैरह, अभी काम मतलब केवल भोग नहीं है, काम मतलब सारी परिवार उसकी जिम्मेदारियाँ जो है। तो वो कहते हैं कि अभी भक्ति, ये भक्ति में क्या है, ये तीनों हम भक्ति के लिए करें। हमारा धर्म मतलब क्या है, हम मंदिर में आके सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, जप करते हैं, सब धर्म है। हमारा अर्थ भी है, हम जो धन उत्पादन कर रहे हैं उसका भी उद्देश्य क्या है कि हमारे घर में भी हम मंदिर बनाना चाहते हैं, घर में भी हम भगवान का गुणगान, हमारा घर नहीं है वो भगवान का घर है। तो उस तरह से उसके लिए हम धन कमा रहे हैं, और जो भी हमने भगवान ने हमको जो प्रतिभाएँ दी है, जो रुचियाएँ दी है, उसको हम अच्छे से इस्तेमाल करके कुछ योगदान करना चाहते हैं, तो वो भक्त का अर्थ होता है। और जो काम होता है कि हमारे सारे परिवार वाले भी है, वो सिर्फ मेरे परिवार वाले नहीं है, वो भगवान के अंश है, भगवान ने मुझे मेरे देखभाल में रखा हुआ है, तो मैं उनका अच्छे से देखभाल करूँगा, उनको भक्ति में लाने के लिए सुविधाएँ प्रदान करूँगा। तो भक्त के लिए क्या होता है, धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों भक्तिमय भाव से सम्मिलित हो जाते हैं। पर युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे बताते क्या है नारद मुनि कि आप जब गृहस्थ में जीवन में हो तो ये तीनों का आप समन्वय रखो, धर्म में इतने मत लग जाओ कि अर्थ और काम को भूल जाओ, अर्थ में इतने मत लग जाओ कि आप धर्म और काम को भूल जाओ, और काम में इतने मत लग जाओ कि धर्म और अर्थ को भूल जाओ, आप तीनों का एक समन्वय रखो। तो इसमें क्या है कि अगर हम अर्थ के पीछे बहुत चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो उसमें इतने फंस जाते हैं, जैसे एक एक, एक इसको एक बीमारी जैसे ही है, एक जैसे अल्कोहलिज्म होता है, लोग शराबी हो जाते हैं, तो इसको ऐसे ही एक और चीज़ है वर्कोहलिज्म। वर्कोहलिज्म मतलब लोग अपने काम के पैसे पीछे इतना पागल हो जाते हैं, कभी लोग 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम करते हैं, और फिर वो काम तो कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, बड़ी पदवी हो जाती है, पर क्या होता है, फिर वो अपने परिवार के लिए समय नहीं है, सेहत के लिए समय नहीं है, फिर अकेले हो जाते हैं। अमेरिका में आजकल योगा बहुत बढ़ रहा है, मेडिटेशन के और लोग आ रहे हैं, कई ऐसे लोगों से मैं जो बात करता हूँ बहुत रईस होते हैं, पर क्या होता है, उनका बड़ा घर होता है, पर वो बड़ा घर प्राप्त करने के लिए इतना वो अर्थ के पीछे लग जाते हैं कि वो बड़ा घर प्राप्त करने के बाद बड़े घर में उनको एक ही सुविधा मिलती है कि अकेलापन महसूस करने के लिए बहुत जगह होती है। अ बिग हाउस ओनली गिव्स देम द प्रिविलेज ऑफ अ लॉट ऑफ स्पेस इन विच टू फील लोनली। तो ऐसा ये तो आध्यात्मिक यश छोड़ो, इसमें भौतिक यश भी कुछ नहीं है। तो इस तरह से हमें अर्थ के पीछे भी इतना, हमें इतना भागना नहीं है कि हम धर्म को भूल जाए, बाकी सब चीज़ों को भूल जाए। जितना हम समय हमारे काम में दे रहे हैं उसको पूरा उत्साह के साथ दे सकते हैं, और अगर उस वहाँ पर अच्छी तरह से बर्ताव करेंगे तो उसके द्वारा भी भगवान का गुणगान हो सकता है, उसके द्वारा भी हम भगवान को हमारी ओर, हमारे द्वारा भगवान की ओर आकर्षित कर सकते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर एक बार प्रभुपाद जी को सवाल पूछा था कि हम आपके शिष्यों को कैसे जान सकते हैं, तो प्रभुपाद जी बताया कि दे आर परफेक्ट जेंटलमैन एंड लेडीज़। इतने मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे शिष्य चारियों का पालन करते हैं, 16 माला जप करते हैं, ये सब सही है, पर वो तो न्यूज़पेपर अखबार वाला है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कोई कितना जप कर रहा है, क्या नियम पालन कर रहा है, उनके दृष्टि से वो क्या देखेंगे, उनके दृष्टि से वो किस चीज़ की सराहना करेंगे। अभी दुनिया में लोग ये नहीं देखते हैं कि तुम कितना जप कर रहे हो, तुम कितना मंदिर में आते हो, तुम्हारा बर्ताव कैसे है, तुम किस तरह से बातचीत करते हो, तुम किस तरह से पेश आते हो, तुम किस तरह से लोगों से आदान प्रदान करते हो, तो उसमें अगर उचित बर्ताव रहेगा तो उससे भी लोग आकर्षित हो जाते हैं, और उसके द्वारा हम जब भक्ति के लिए पर्याप्त समय देते हैं, हम ध्यानपूर्वक भक्ति करते हैं,
तो उससे क्या होगा, भगवान हमारे हृदय में राज्य करेंगे, भगवान की हम अग्र पूजा हमारे हृदय में कर सकते हैं। और फिर अगर भगवान की इच्छा होगी तो हमें बहुत सी संपत्ति, हमको धन, हमको बहुत ही यश मिल सकता है, हमको पारिवारिक जीवन में सुख मिल सकता है, और उसके द्वारा हम मोहित नहीं हो जाएंगे, हम वह सब भी भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे। पर अगर हम भक्ति ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे, हम समझ, सबसे महत्वपूर्ण भगवान का जो गुणगान है वो हमारे हृदय में होता है, वहाँ पे हमें समझना है कि भगवान ही सबसे आकर्षक है, भगवान ही जीवन के अंतिम उद्देश्य है, वह हम केंद्र रखेंगे तो फिर हम बाकी चीज़ प्राप्त हो या प्राप्त ना हो, हम उससे विचलित नहीं होंगे। अगर हम यह नहीं करेंगे तो बाकी चीज़ें प्राप्त होगी नहीं तो हताश हो जाएंगे, प्राप्त होगी तो फिर मोहित हो जाएंगे, पर दोनों ओर से हम भगवान से दूर चले जाएंगे। तो इसलिए हमारे जो धर्म है, हमारी साधना है, वह हमारा प्रधान भगवान का गुणगान है, पर वह करते हुए हम दूसरे पहलुओं को दुर्लक्ष नहीं करते हैं, उनमें भी सेवा भाव के द्वारा वहाँ से भी हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं। तो सारांश में आज चर्चा की कि किस तरह से हम भगवान का गुणगान हमारे जीवन में अलग अलग पद्धतियों से कर सकते हैं। सबसे पहले ने देखा कि क्या है कि ये संदर्भ, ये प्रसंग में युधिष्ठिर महाराज ने पूरा राजसूय यज्ञ इसलिए किया है कि वहाँ पे वो भगवान को अग्र पूजा का आदर देके भगवान की महिमा सारी दुनिया को बताना चाहते हैं। तो भगवान का एक गुणगान है कि जो हम खुद जप करते हैं, खुद कीर्तन करते हैं, वह किस लिए है कि हमें दुनिया के परे जाना है भगवत धाम। पर भगवान का दूसरा उद्देश्य ये भी है कि दुनिया को परिवर्तित करना है। और जो अर्जुन ने युद्ध किया वह केवल पर वह बदले के लिए नहीं किया था, वह उन्होंने धर्म की प्रस्थापना के लिए किया था। हनुमान भी वैसे ही है, धर्म की प्रस्थापना के लिए। तो भगवान युद्ध नहीं चाहते थे, दुर्योधन जो है वो युद्ध पे बिल्कुल जुड़ा हुआ था, वो जिद्द कर रहा था, तो फिर धर्म की प्रस्थापना में भक्त मदद करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी प्रचार करते थे इसलिए ताकि इस जगत में हम परिवर्तन ला सकें। तो इस जगत में परिवर्तन लाना है मतलब क्या है, न केवल हमें मंदिर बनाने हैं, मंदिर में भक्ति करनी है, पर लोगों को भी आकर्षित करना है, भगवान का गुणगान इस तरह से करना है कि लोगों तक पहुँचे, लोगों को समझे और लोगों को आकर्षित करे। इसलिए हमें किस प्रकार का गुणगान करना है, किसके साथ, वह समझना चाहिए। तो अगर हम भौतिक स्तर से जिम्मेदार है, परिपक्व है, हम सक्षम हैं, भौतिक दृष्टि से यशस्वी है, तो उसके द्वारा लोग हमारी ओर आकर्षित हो जाएंगे और फिर हम भगवान की ओर उनको आकर्षित कर सकते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने किया सम्राट बन के, या अर्जुन ने किया सर्वश्रेष्ठ धनुर्योद्धा बन के। और ऐसे तो ऐसे भगवान का हम अलग अलग पद से गुणगान करते हैं, उसमें क्या है कि अगर हम जिस पद पे है उस पद में जो अपेक्षा है वो अगर छोड़ के हम भक्ति करते हैं तो फिर वो गुणगान नहीं होगा, वो अवहेलना हो जाएगी। जैसे बताया कि जॉर्ज हैरिसन वो अच्छे संगीत करने जैसे सिर्फ भगवान का कीर्तन करने लग गया तो लोग उसकी निंदा करने लगे। वही भारतीय क्रिकेट का कप्तान है, वो हारने के बाद भक्ति के बारे में बात करने लगा तो लोग उससे बिल्कुल एलियनेट हो जाएगा, दूर चले जाएंगे। तो हम भी अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं, विद्यार्थी पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगे, हम हमारे गृहस्थी में या हमारे नौकरी में बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं और फिर लोगों को बोले मंदिर में आ जाओ, मैं तुम्हारे जैसे नहीं बनना है, लोग बोलेंगे हम नहीं आना चाहिए। तो क्या है, हमें वो जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में उनको कैसे आकर्षित करना है, उस तरह से हमें बर्ताव करना है, उस तरह से। तो हमें सक्षमता से, जिम्मेदारी से जो भी हमारी भूमिका है वो देनी है। तो धर्म, अर्थ और काम भक्त के लिए तीनों भक्तिमय भाव से करते हैं भक्त, और तीनों का समन्वय रखना है कि धर्म इतना नहीं करना है कि अर्थ और काम को भूल जाए, अर्थ इतना नहीं करना है कि धर्म और काम को भूल जाए, काम इतना नहीं करना है कि धर्म और अर्थ को भूल जाए। और कोई कहेगा कि मुझे भौतिक जगत में बहुत यशस्वी होना है और उससे फिर मैं लोगों को आकर्षित करूँगा, अच्छा भाव है, पर वो यशस्वी होने के लिए अगर कोई भक्ति से दूर चला जाता है, भक्तों के संग दूर चला जाता है तो यश शायद मिलेगा, मिला नहीं तो सब कुछ हार जाएंगे, यश मिला भी तो भक्तों के संग दूर चले जाएंगे तो भक्ति, तो फिर क्या, भक्ति करने की इच्छा कम हो जाएगी और सिर्फ भौतिक जगत में फंस जाएगी। इसीलिए हमें वर्कहॉलिक नहीं बनना है, अर्थ के पीछे इतना नहीं भागना है कि हमें धर्म को छोड़ दें। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे हृदय में भगवान का गुणगान करना है। हम जो साधना करते हैं उससे भगवान को हम हमारे हृदय में प्रस्थापित कर रहे हैं, फिर उसके बाद में भगवान की इच्छा होगी तो भगवान हमें भौतिक स्तर पर भी यश दे सकते हैं।
यश मिलेगा या ना मिलेगा, फिर भी हम भगवान से तो जुड़े रहेंगे। और अगर हम भगवान की साधना अच्छी तरह से नहीं कर रहे तो यश मिले या ना मिले, यश मिले तो हम मोहित हो जाएंगे, यश ना मिले तो हम हताश हो जाएंगे, और दोनों ओर से हम भगवान की दूर चले जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो अग्र पूजा है युधिष्ठिर महाराज अपने हृदय में कर रहे थे भगवान की, और फिर बाहर राज्य में भी की। इस तरह से हम भी हमारे हृदय में कर सकते हैं और हमारे बर्ताव से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी कोई सवाल है? तो जो महाभारत में वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज को शाप मिलता है तो बहुत सारी योजनाएं करते हैं जिससे कि वो खुद का संरक्षण कर सके, तो वो ऐसे क्यों बताया जा रहा है? तो अभी ऐसे नहीं कि वहाँ पर परीक्षित महाराज डर ही गए हैं। क्या है कि खुद के शरीर का रक्षण करना यह भी एक कर्तव्य है। और सबसे पहले ये जो प्रसंग है महाभारत में और भागवत में बताया है, ये अलग अलग कल्पों में हो सकता है कि एक कल्प में जो है इस तरह से हुआ है, दूसरे कल्प में दूसरी तरह से हुआ है। और दूसरी चीज़ हमको समझनी है कि अगर व्यक्ति को कुछ शारीरिक स्तर पे दुख हो रहा है, शरीर को कुछ खतरा आ गया है, तो शरीर का संरक्षण करना यह भी एक कर्तव्य है। शरीर का संरक्षण किस लिए कर रहे हैं वो देखना है बात है। तो अभी अभी महाभारत में जो वर्णन है, परीक्षित महाराज वो धार्मिक राजा थे और धर्म की प्रस्थापना करने के लिए अगर राजा को खुद का संरक्षण करना है तो वह भी एक धार्मिक कार्य ही है। ऐसे नहीं है कि वो गलत है। अभी इसके लिए कुछ उदाहरण ले सकते हैं हम। अभी मान लीजिए एक वास्तु में एक प्रसंग था, एक भक्त वरिष्ठ भक्त बता रहे थे हमको कि वो बॉम्बे में लगभग 15-20 साल पहले कुछ बड़े बॉम्ब स्फोट हो गए थे, फिर रायट्स हुए थे, तो वो प्रचार करने गए थे किसी कहीं कार्यक्रम में और वो आ रहे थे और तभी अचानक ऐसे ही कुछ आतंक करने वाले लोग जो है उन्होंने देखा ये सैफरन में, उनकी ओर दौड़ते हुए आ गए उनको मारने, तो वो तुरंत वहाँ से भाग गए और भागते भागते कहीं तो भी छिप गए और बच गए। फिर बाद में वो जाके राधानाथ महाराज से पूछने लगे, मैं अभी वहाँ पे सत्संग में गया तो वहाँ पे प्रवचन दिया था कि अब शरीर नहीं है आत्मा है, पर जैसे ही ये खतरा आ गया तो वहाँ से भागने लग गया। तो क्या मैं मिथ्याचारी हूँ? क्या मैंने उचित नहीं किया? बोले नहीं है, ऐसा भाव नहीं है। क्या है कि भक्त का ये भाव हो सकता है कि ये शरीर जो मेरा है, ये शरीर से मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ और अभी मुझे बहुत शुद्ध होना है, तो ये शरीर मुझे चाहिए शुद्धिकरण के लिए, तो इसलिए शरीर का संरक्षण करना जो है यह भी एक सेवा हो सकती है। कोई और भक्त हो सकता है, उसकी चेतना है, अगर भगवान चाहे तो मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मुझे मान चाहते हैं कि मैं मृत्यु जाए तो मैं उसको भी स्वीकार करूँगा। तो खुद का संरक्षण करना या न करना, ये दोनों शरणागति का भाव हो सकता है। तो संरक्षण भी शरणागति के भाव में कर सकते हैं और संरक्षण न करना भी उसकी वो भी एक भगवान की शरणागति के भाव में हो सकता है। तो इसलिए भक्त की अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग चेतना हो सकती है। अभी साधारणतया अगर शरणागति का हमें उदाहरण देखना है तो मन में कौन आता है शरणागति के बारे में उदाहरण? हाथ ऊपर करके द्रौपदी। तो जब वो उनका अपमान हो रहा था, उन्होंने अपना हाथ ऊपर कर लिया और भगवान के शरण चले गए। यह एक प्रकार की शरणागति है। अभी भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आप शरण में आ जाओ।
अभी इसके बाद में क्या अर्जुन अपना हाथ ऊपर करके शरण में आ जाते? अर्जुन क्या करते हैं? यत्र पार्थो धनुर्धरः, अर्जुन अपना धनुष उठा लेते हैं। तो अर्जुन की उस परिस्थिति में शरणागति क्या थी? युद्ध करना, ये शरणागति थी। तो इसको मैं इंग्लिश में कहता हूँ, सरेंडर हैज टू फॉर्म्स, डिपेंडेंस ऑन कृष्णा एंड डिलीजेंस फॉर कृष्णा। भगवान पे निर्भरता और भगवान के लिए जिम्मेदारी, नहीं, भगवान पे निर्भरता और भगवान के लिए तत्परता, तो दोनों शरणागत भाव में हो सकता है। और कौन सी परिस्थिति में किस प्रकार से शरणागत आना है वो अलग अलग है। अभी द्रौपदी उस परिस्थिति में असह्य हो गई, दुशासन उससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और उसने अपना प्रयास किया था, कुछ नहीं हो रहा था, तो उस परिस्थिति में उस तरह से शरणागत हो गई। पर अभी अर्जुन योद्धा है, धनुर्विद्या में निपुण है, वो अपने सेना के प्रधान योद्धाओं में से एक है, और तभी उनकी शरणागति थी तो उठा लेना और युद्ध करना। तो कभी हम, कब हमें निर्भरता से शरणागत जाना है और कभी हमें तत्परता से शरणागत जाना है, वह समझना एक बहुत बड़ी बुद्धि का कार्य है। मैं लगभग 20-25 साल पहले सबसे पहले प्रवचन देने लगा था, तो एक वरिष्ठ वक्ता ने मुझे कुछ मार्गदर्शन पॉइंट्स दिए थे कैसे आपको प्रवचन देना है। तो उसमें 10 पॉइंट्स थे, तो 10वां पॉइंट था कि डिपेंड ऑन कृष्णा, भगवान पे निर्भर हो जाओ, पर ब्रैकेट में था, बट ओनली आफ्टर यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर क्लास। अपने क्लास के लिए तैयारी करने के बाद भगवान पे निर्भर रहो। अगर कोई क्लास की तैयारी नहीं करता है और फिर आ जाता है प्रवचन देने के लिए और फिर बोलते हैं मैं भगवान पे निर्भर हूँ, भगवान पे निर्भरता नहीं है, वो गैर जिम्मेदारी है। अभी उस समय हमें तत्परता रखनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, तो वो भी शरणागति ही है। भगवान की सेवा करनी है तो यहाँ पे शरणागति क्या है कि मैं जो मैं करना चाहता हूँ वो छोड़ के मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, वो शरणागति है। और भगवान की सेवा मैं तत्परता से कर रहा हूँ। और कभी कभी ऐसे हो सकता है कि अभी वो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में होता है कुछ कर नहीं सकता है, तो फिर वो कि ठीक है मैं भी शरण निर्भर हो जाता हूँ जो भी भगवान चाहते हैं। तो ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भाव हो सकता है। तो महाभारत में जो समस्या संकट आ रहा है उसकी तत्परता से सामना करना, वो परिचित महाराज दर्शा रहे हैं। और जब संकट आता है तो भगवान पर निर्भर हो जाना, वह भागवत में दर्शाया जा रहा है। दोनों एक शरणागत भक्त के ही लक्षण हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। यस, से मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल, भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन कैसे संतुलन रखना है, क्या है कि इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि एक तरह से भक्त के लिए कोई भौतिक जीवन है ही नहीं, सब कुछ आध्यात्मिक है। वास्तव में आध्यात्मिक का मतलब क्या है? आध्यात्मिक का मतलब है सेवा भाव। अभी क्या है, भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना का फर्क हम कैसे समझ सकते हैं? अगर हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या भक्त है, तो फिर उसका मतलब है हमारे आध्यात्मिक चेतना में जरूरी नहीं है। जब हम किसी से मिलते हैं, अगर हमारे मन में पहला विचार आता है कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो हमारी आध्यात्मिक चेतना है। अगर हम किसी से मिलते हैं और पहला सवाल आता है मेरे मन में ये मेरे लिए क्या कर सकता है, तो फिर वो भौतिक चेतना है। भले ही हम अभी जाते हैं किसी से अभी हम बैक टू गॉडहेड जाओ जगह का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जैसे हम किसी मिलते हैं, अरे ये सब्सक्रिप्शन दे सकता है मुझे एक, अगर वो भाव हमारा होगा तो जो सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकता उसका हम दुर्लक्ष्य कर देंगे। ऐसे नहीं, हमारा भाव है ये व्यक्ति शायद जो ज्ञान को स्वीकार करके उसका कल्याण हो सकता है, और उसके आदान प्रदान में वो सब्सक्रिप्शन देगा। तो क्या होता है, आध्यात्मिक चेतना मतलब सेवा भाव, भौतिक चेतना मतलब स्वार्थी भाव। तो अभी ये जो सेवा भाव है वह हम हर परिस्थिति में रह सकते हैं। हमारे कहीं भी हम हो गए, अगर हम वो भाव से कार्य कर रहे हैं तो वो आध्यात्मिक है। अगर हम हमारे घर हमारे परिवार में जो भी जिम्मेदारियां हैं वो अगर सेवा भाव से कर रहे हैं, कह लिए मेरा बच्चा है इसलिए मैं इसका देखभाल, ये भगवान का अंश है, मेरी जिम्मेदारी में है, उसकी देखभाल करूँगा अच्छी तरह से, तो वो भी उसके द्वारा भी व्यक्ति प्रगति कर सकता है आध्यात्मिक जीवन में। तो
इसमें सबसे पहले है हमें समझना है कि सेवा भाव का अनुशीलन करना यह आध्यात्मिक चेतना है, यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह हर चीज़ में हम ला सकते हैं। और ये समझने के बाद हमें ज़रूर ये देखना है कि भौतिक और आध्यात्मिक में थोड़ा फर्क है, क्योंकि क्या है कि जब हम बहुत जो कार्य जिसमें भगवान की स्मृति स्पष्ट रूप से नहीं होती, जैसे मंदिर में आते तो भगवान हम जगह दिखते हैं, हमको हमारे मन में होता है मैं भगवान के किस सेवा के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो क्या होता है भगवान की स्मृति और एक स्पष्ट रूप से हम में रहती है। और जब हमारे परिवार की जिम्मेदारियाँ कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो भगवान का विचार होगा पर बहुत पीछे दूर के चला जाता है। तो इसीलिए हमें डायरेक्ट जो डायरेक्ट भक्ति है वो भी करना बहुत ज़रूरी है। तो मंदिर में जब आते हैं डायरेक्टली भक्ति कर रहे हैं, बाकी हमारे जो बाकी जिम्मेदारियाँ वगैरह वो इनडायरेक्टली भक्ति है, कोई भक्ति है पर वो इनडायरेक्टली है। तो अभी हमको जो डायरेक्ट भक्ति है उसके लिए कुछ समय निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है और उतना हम करते हैं। जो इनडायरेक्टली जो अप्रत्यक्ष रूप से जो भक्ति है वो करनी है वो कभी कभी समय के अनुसार वो बदल सकती है। मतलब कि जो संतुलन हम चाहते हैं, संतुलन कभी एक फॉर्मूला के रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन बहुत बदलते रहता है। अभी मान लीजिए आप एक साइकिल चला रहे हैं, अभी साइकिल का संतुलित स्थिति क्या है, वो ऐसी खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है, वर्टिकल जो है सीधे ऊपर, वो संतुलित स्थिति है। पर आप साइकिल को अभी आप राइट टर्न लेना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, साइकिल की संतुलित स्थिति क्या है, थोड़ी राइट की ओर झुकी होगी, पर राइट टर्न हो गया उसके बाद में अगर साइकिल राइट की ओर झुकी रहेगी तो क्या होगा, वो गोल घूमने लग जाएगी, तो फिर बाद में उसको पूरा वापस सीधा करना है। फिर अगर लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट की ओर थोड़ा झुकाना है। तो साइकिल के लिए संतुलित स्थिति क्या है, वह केवल साइकिल ऊपर सीधी है कि नहीं उस पर निर्भर नहीं है, वो साइकिल की दिशा में जा रही है उस पर निर्भर है। तो जो बैलेंस इन लाइफ इज नेवर स्टैटिक, इट इज़ डायनामिक, कि हमारा जो संतुलन जो होता है वो संतुलन कैसे करना है वो परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। संतुलन को एक शेड्यूल के जगह पे हम एक उद्देश्य के समान देखते हैं, मुझे इस दिशा में जाना है और उस दिशा में जाने के लिए मुझे क्या करना है, कभी इधर मुड़ना पड़ सकता है, कभी उधर मुड़ना पड़ सकता है, पर उस दिशा में जाना है मुझे। तो ऐसे अगर हम बहुत ही शेड्यूल से बहुत बद्ध हो जाएंगे, सुबह में ये करूँगा, दोपहर को ये करूँगा, शाम को ये करूँगा, तो कभी कभी ऐसे होता है कि हम जीवन में शेड्यूल नहीं रख पाते, कि बहुत से ऐसी चीज़ आ जाती है, पर हमको दिशा सही रखनी है। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ हमारे भौतिक जीवन में कुछ जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाती है, कोई हम कंपनी में काम कर रहे हैं तो कोई प्रोजेक्ट का डेडलाइन आ गया है, कोई घर में कोई बीमार हो गया है, घर में अभी नवजात शिशु जन्म हुआ है, तो उस समय क्या होता है कि घर की या नौकरी की जिम्मेदारियाँ हो जाती है और तभी हमको थोड़ा इस साइड झुकना पड़ सकता है, कभी उस साइड झुकना पड़ सकता है, कभी मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव है, कोई बड़ा बहुत बहुत सत्संग, कोई बड़ा कोई वरिष्ठ भक्त वहाँ पर आए हैं तो शायद वहाँ कई प्रवचन हो रहे हैं, तो तभी हम ज़्यादा मंदिर में जाएंगे, तो कभी इस साइड थोड़ा झुक सकते हैं, कभी उस साइड ज़्यादा झुक सकते हैं। तो क्या है कि हमको उसी दिशा में जाते रहना है, हमें दिशा पर ध्यान रखेंगे तो कभी सीधा जाएंगे, कभी थोड़ा इधर मुड़ के जाएंगे, कभी उधर मुड़ के जाएंगे, पर उस दिशा में जाते रहेंगे। और दूसरा उदाहरण उसी के ले सकते हैं कि अगर हम ट्रैफिक में जा रहे हैं तो अगर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है तो हम फास्ट जाएंगे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे जाएंगे। तो उसी तरह से क्या है, कभी कभी अभी हम सबको भगवान की ओर जाना है पर कभी कभी हमारे भौतिक जीवन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो तभी हमको थोड़ा धीरे जाना पड़ेगा, पर उसी दिशा में हम जा रहे हैं। सो लाइफ कैन चेंज आवर पेस बट इट शुडंट चेंज आवर पर्पस। हम जिस रफ्तार से जा रहे हैं वो शायद बदल सकता है, पर जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, वो बदलना नहीं चाहिए। तो अभी क्या है, अभी अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और तभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं तो समझ सकते हैं हाँ अभी ये काम आ गया है, ये ऐसे ऐसे है इसलिए। पर अगर कोई कहता है रोज़ ही मेरे जीवन में समस्या आ रही है, रोज़ ही मेरे जीवन में इमरजेंसी आ रही है, रोज़ ही मेरे जीवन में ऐसा समस्या आ रही है कि मैं भक्ति नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मतलब क्या है, वो व्यक्ति अच्छे से प्रायोरिटी नहीं कर रहा है, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग भी करना चाहिए। जो इमरजेंसीज है, जो विपत्तियाँ हैं वो आती है जीवन में, पर वो अगर रोज़ आ रही है मतलब वो विपत्ति जीवन में नहीं है, वो विपत्ति दिमाग में है, वो आपके अपने जीवन में प्रायोरिटी ठीक से नहीं रखी है। मान लीजिए अगर कोई कार्यक्रम के लिए हम बुला रहे हैं, बोले ट्रैफिक है, बहुत लेट हो रहा हूँ, पर आ जाऊँगा मैं,
और वो आ रहे धीरे धीरे आ रहे, ट्रैफिक है इसलिए धीरे आ रहे, पर ट्रैफिक क्लियर हो जाती है फिर भी वो धीरे धीरे ही आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, शायद वो आना ही नहीं चाहते कार्यक्रम को। तो जब हमारे जीवन भौतिक जीवन में वो जो ट्रैफिक कम हो जाता है, तभी भी अगर हम रफ्तार बढ़ाते नहीं हैं तो फिर क्या है, उसका मतलब है हम इतने प्रामाणिक नहीं है भक्ति करने के लिए। पर बैलेंस मतलब उसको एक फॉर्मूला की जगह पे देख के एक उद्देश्य के रूप में देखना है, ये उद्देश्य क्यों जाना है, इस दिशा में जाना है, कैसे जाऊंगा वो देश काल पात्र के अनुसार मैं फैसला कर सकता हूँ। ओके, हरे कृष्ण, चलिए स्टॉप है। ओके, सवाल कितने लेने हैं आप बताओ मुझे, एक और। ओके, कोई माता जी को कोई सवाल है कोई? मैं अमेरिका के मंदिरों से आ रहा हूँ, तो अमेरिका में ऐसा सिस्टम होता है दो माइक होते हैं, एक सवाल प्रभु जी का, एक सवाल माता जी का, फिर एक सवाल प्रभु जी का, एक सवाल माता जी का। यस यस प्रभु जी, अच्छा क्लास है। लेकिन आपने जो दृष्टि महाराज का एग्जांपल दिया ना, धर्म का इसका एनालॉजी आपको लेकिन उसको मोक्ष को एक्सप्लोर आपने किया था, ऐसा मोक्ष क्या बुद्धि को, मोक्ष क्या परिभाषा। अच्छा, ओके ओके, तो अभी जो मैंने धर्म अर्थ काम के बारे में बताया, तो मोक्ष के बारे में क्यों नहीं बताया? वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि जब उपदेश देते हैं तो तभी वहाँ पे मोक्ष का उल्लेख नहीं करते हैं। क्या है कि अभी दो दृष्टिकोण से हो सकता है वो, जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में होता है तो एक धीरे धीरे प्रगति हो रही होती है, तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति मोक्ष के उद्देश्य तुरंत कार्य नहीं कर रहा होता, तभी वो धर्म अर्थ काम के उद्देश्य कार्य करते हैं। फिर बाद में जब वानप्रस्थ हो जाता है, संन्यास हो जाता है, तभी मोक्ष के बारे में विचार करता है। अभी भक्ति में जो है, मैं भक्ति में हम मोक्ष नहीं चाहते हैं, हम भक्ति चाहते हैं, भक्ति में प्रेम चाहते हैं, तो हमें मोक्ष की सेपरेटली कामना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो भक्ति के द्वारा ही हमें भगवत प्रेम मिल जाएगा और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए अभी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं। तो जब विश्वामित्र मुनि मिलने आते हैं हाँ दशरथ महाराज से, तो दशरथ महाराज उनको सवाल पूछते हैं कि आपके पुनर्जन्म से युद्ध में किस तरह से विजयी हो रहे हो, कि आप पुनर्जन्म से युद्ध कर रहे हो, तभी वो क्या है, वो वैरागी है, तो उनके जीवन का इकलौता उद्देश्य है इस जन्म मृत्यु के संसार के चंगुल के परे जाना, वही सबका उद्देश्य है, पर जो उद्देश्य है उसके ओर जो हम जा रहे हैं वो अलग अलग आश्रम में अलग अलग पद से आते हैं। तो जो गृहस्थ आश्रम में अगर होगा तो उसको साधारणतः ये सवाल नहीं पूछते कि आप पुनर्जन्म का विजय कैसे प्राप्त करें, उनका भी वो उद्देश्य है पर उस समय वो प्रायोरिटी नहीं है, उनका प्रधान नहीं है। पर जिसने वैराग्य का आश्रम में, आप पुनर्जन्म का विजय कैसे प्राप्त कर रहे हो, तो जो गृहस्थ में है उनको युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि पूछ रहे कि आप धर्म अर्थ काम का समन्वय कैसे रख रहे हैं। तो ये सब जो है एक स्वाभाविक प्रगति है। अगर कोई धर्म अर्थ काम अच्छी तरह से करता है तो फिर उससे ही धीरे धीरे वैराग्य आ जाएगा और फिर मोक्ष की ओर भी प्रगति हो जाएगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, ताय गौर प्रेमानंदे जय प्रभुपाद की जय।